सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं अभी इसमें थोड़ी सी घी डाल के और उसको मैं फैला रही हूँ जिससे उसमें सटे नहीं और अच्छा से बन जाए। तो उसमें मखाना मैं भूनूंगी, मखाना प्रसाद में डालनी थी तो थोड़े से मखाने थे तो उसको मैं भून रही थी। और जब ये अच्छे से भुना जाएंगे तो फिर मुझे इसमें बादाम भी भूननी है। तो मैं इसको अच्छे से भून रही थी और सुबह का जो टाइम था मैं तो नहा ली थी और उसके बाद मैं प्रसाद का जो भी सामान उसमें पड़ती जैसे मखाना बादाम नारियल ये सब उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी उसका डालने के लिए। तो इसको भूनकर और फिर इसको मैं टुकड़ा करूँगी, टुकड़े टुकड़े कर दूँगी तो उसको अच्छे होंगे प्रसाद में डालने से। और इसमें तो छोटे छोटे जो टुकड़े होते कोई कोई बहुत ही टाइट होती है, लगता है कि बहुत सकती जैसी रहती है, उस जल्दी से फूटती नहीं। तो फिर मैं इसको निकाल ली हूँ और फिर थोड़े से घी डाल दी हूँ। अब की बार मैं बादाम को भूनूंगी। तो बादाम भूनने के लिए मैं गरम करके कढ़ाई में बादाम दे दी हूँ और उसको मैं चला रही हूँ। तो इसमें थोड़े से टाइम लग जाएंगे और ये जब भून जाते हैं अच्छे से भून जाते हैं, अगर कच्चा रह जाती है तो फिर इसके जो छिलके हैं वो निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है, निकलती नहीं सारी। और अच्छे से भून जाते हैं तो उसमें जो सोनहापन होता है स्वाद अच्छे आ जाती है और अच्छे से इसके सारे जो छिलके हैं वो भी निकल जाती है। और उसको जो होते हैं दो टुक हो जाती है उसको अच्छे से मसल के और फिर उसको सूप के सहारे निकाल देते हैं इसके छिलके और प्रसाद में ये बहुत ही टेस्टी होती है। इससे ये बादाम और नारियल जो है उसको काट के आप उसको डालिए तो बहुत अच्छे प्रसाद बनते हैं। और मैं नारियल को भी काट ली थी, ये भुनने से पहले मैं नारियल काट ली थी क्योंकि मेरा जो बेटा है वो केले का जो केले था उसे छिल के और डोल में उसको अच्छे से मिला रहा था तो उसके लिए मुझे जल्दी से तैयार करनी थी उसमें डालने के लिए। तो मैं नारियल उसको दे दिए थे काट के और फिर ये भून रही थी। जब तक उसको वो मसल के अच्छे से मिलाता तब तक मैं इसको तैयार करके इसको जल्दी से छिलका निकाल दूँगी और फिर प्रसाद में डाल दूँगी। उसमें चीनी और केले को वो अभी मसल रहा था तो मैं इसको जल्दी से तैयार कर ली थी और फिर उसको दिए थे प्रसाद के लिए। तो दूध जो थे वो भी एक बार मैं खोला कर निकाल दिया था और इसको मैं दोबारा उसको उबाल रही थी तो एक बार वाले सारे डोल में रख दिए थे और प्रसाद के लिए ये प्रसाद तैयार हो गई है। तो फिर पूजा भी स्टार्ट हो गई थी, सवेरे सवेरे पंडित जी आए थे तो पूजा वो करवा रहे थे, उधर तैयारी हो गई थी, मेरी बेटी भी कर रही थी तैयारी। तो पूजा भगवान का सवेरे से हो गया था, 10:30 बजे तक हो गया था पूजा और खाते खाते 11 तक बच गए थे। और बहुत सारे कपड़े भी थे आज सुबह में, तो सारे कपड़े भी साफ किए थे, तो सुबह सुबह नहाए थे तो बहुत सारे कपड़े थे सारे साफ़ कर दिए थे, पर्दे और बेडशीट और कपड़े जो पहने थे वो सारे, तो सारे जो है तौलिया सारे साफ़ कर दिए थे। और ये पंडित जी को खाना दिए थे और ये नींबू का भी मैं छिल के सुबह में थोड़ी सी खाई थी तो आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं प्रसाद भी खाई। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, मैं रानी झा, मैं अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी मैं सारे काम करके आगे गई हूँ और थोड़ी देर से मैं अपना सीरियल देख रही थी और आज पूजा थी तो पंडित जी आए थे और सारे पूजा तो मेरा 10 से 10:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। तो बहुत सारे काम होते हैं पूजा में, जैसे कि
मेवे को काटना होता है, बादाम को भुनना होता है और उसका छिलका हटाना, छोटा छोटा सा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज पंडित जी खाने के लिए चूड़ा दही का ही व्यवस्था की थी और पंडित जी आए थे भी तो 9:30 बजे तक चले आए थे और मैं तो लेट तक नहीं खाई क्योंकि प्रसाद मैंने ले ली थी तो उसी से मेरा पेट भर गया था। और जब लेट करके खाते हैं, थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो पेट भर जाती है, तो मैं और खाने का भी इच्छा नहीं रह जाती और मैं प्रसाद ही ज़्यादा करके पी ली थी। अच्छा बना था प्रसाद, बहुत अच्छे। तो आज बहुत सवेरे मैं उठी थी, 5 बजे से थोड़ी पहले ही उठी थी और मेरी बेटी भी उठ गई थी 5:15 तक और बहुत सारा काम वो कर दी है, तो मुझसे ज़्यादा वही आज काम की है। तो खिड़की दरवाजे सभी में कलर हुए हैं, मेरे बेटा ने किया है और बच्चा है, उसका तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी, गैस बन गई थी, लेट करके खाता है, उसको भूख बहुत कम लगती है, पता नहीं बचपन से ही ऐसा है, वो खाना बहुत ही कम खाता है और लेट करके खाता है, तो उसको गैस की प्रॉब्लम भी हो जाती है ज़्यादातर। और मैं दवा भी देती हूँ उसको और सभी को मैं खाना खिला दी थी 11 बजे तक और मैं अपने बेटे को भी खिला दी थी, दही चूड़ा ही खिलाई थी। बहुत ज़्यादा प्रसाद का मैं वितरण कर दी हूँ, कुछ बचे हुए हैं, शाम तक हो जाएगी और मैं ज़्यादा देर रख नहीं पाऊँगी रात तक क्योंकि ख़राब हो जाती है, उसको रख के क्या होगा। प्रसाद तो जितना बाटी उतना ही अच्छी होती है। और अभी पसीना आ रही है, बहुत गर्मी भी लग रही है, तो अभी फैन मेरे पास ने मतलब मेरे मैं जहाँ हूँ वहाँ पर भी फैन लगे नहीं हैं तो फैन अंदर हैं। तो आज सुबह में मैं पहले नहा ली थी, उसके बाद खाना बनाई थी, तो पंडित जी के लिए तो खाना नहीं बनाई थी, तो मैं क्या, मेरी बेटी ही बनाई थी खाना, बहुत कम मैं सिर्फ दूध को उबाली थी और एक सब्जी जो थी उसमें छोंक दी थी, बस इतना ही काम की थी मैं। और मेरी बेटी ही रोटी आदि सारी चीज़ बनाई थी और फिर मेवे मैं काटी थी और पूजा के लिए, तो बहुत सारे काम जो थे वही की थी। आज मुझे इतनी थकावट भी नहीं हुई और काम भी हो गया। और आज बहुत ज़्यादा धूप आ रही है 2-4 दिन से भी और आज भी बहुत ज़्यादा है धूप, तो अच्छी लग रही है। और जितना भी पानी है आसपास पे, जितना भी जो ये चौर टाइप का खेत है तो उस समय पानी बहुत सा जमा है, तो वो सब सूख जाएंगे, अच्छे होंगे, नहीं तो पानी जम के जो है स्वास्थ्य के लिए भी ख़राब साबित होगी वो पानी। और गड्ढे हैं तो उसमें तो मतलब नीचे है ये ज़मीन, तो गड्ढे टाइप का है तो पानी जो जम जाएगा तो उससे दुर्गंध भी आएगी और बहुत सारा जो कीटाणु भी हो जाती है, तो इसके लिए थोड़े छिड़काव करने के लिए सरकार आएंगे तो ये सूख जाएगी तो अच्छी होगी और स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे और खेती भी हो पाएगी, नहीं तो खेती करना मुश्किल है। इस बार लगता नहीं है कि गेहूं की खेती भी हो पाएगी, बहुत जितना भी ज़्यादा यहाँ पर जितना बहुत सारा ज़मीन है सारे डूब गए हैं और बहुत सा इसमें पानी हो गई है। इस बार तो पानी सूखने से रही, पानी सूख नहीं पाएगा इस बार और बहुत से लोग वो खेती भी नहीं कर पाएगी, गेहूं की खेती तो बिल्कुल ही नहीं लगता कि हो पाएगी। और सारे जो खेत हैं वो सभी नीचे हैं, उसमें घर जो है सो लोग ऊपर करके बना लिया है लेकिन घर खेत जो है सारे वो नीचे के स्तर पे हैं और बहुत सारे पानी भर गए हैं। ये मेरे जो खिड़की से मुझे दिखाई दे रही है सारे खेत। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।